नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके यहाँ पर संतरे के, माल्टे के, मौसम्मी के, अमरूद के, आड़ू के बगीचे लगे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं। उनका एक सवाल आता है कि भैया, हमारे यहाँ पे अब बाग बड़ा हो गया है, पहले तो हम उसके अंदर इंटरक्रॉप कर लिया करते थे, यानी जब पौधे छोटे थे तब कोई और फसल बो लिया करते थे, अब तो बाग बड़ा हो गया है और हमें डिपेंड रहना पड़ता है इनकम के लिए बाग के उस वक्त पे जब वो हमें फ्रूट देगा। आजकल फ्रूट की भी दिक्कत आती है, तो ऐसे में हम करें क्या? ऐसा क्या हो सकता है कि हमें एक्स्ट्रा में इनकम होने लग जाए? तो आप लोगों को मैं एक आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ऑल के ऊपर क्लिक कर लो। अब देखो, आपने अगर संतरे का बाग तैयार कर लिया, किन्नू का बाग तैयार कर लिया, मौसम्मी का बाग तैयार कर लिया, आपके पास आड़ू का बाग है, अमरूद का बाग है, तो ऐसे में आप अपने बाग के अंदर कुछ ऐसे पौधे सेलेक्ट करो जो बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। ऐसे पौधे सेलेक्ट करो जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, और फिर उन पौधों से आप और पौधे तैयार करो, और जो पौधे आप तैयार करोगे उन्हें फिर एक नर्सरी के तौर पे आप बेचो। ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस पौधे से जो पौधा तैयार करो उस पौधे के फ्रूटिंग अच्छे से केयर करके, अच्छी फ्रूटिंग लेके और उसके पोस्टर्स बनवाओ कि हमारा ये पौधा है, ये इसका मदर प्लांट है, इससे हम जो प्लांट तैयार कर रहे हैं वो आपको दे रहे हैं। और उसके बाद में लोगों की चॉइस के हिसाब से उन्हें पौधे दो। आप मानोगे नहीं, आपको हैरानी होगी इस बात की कि एक पौधा तैयार करने में मैक्सिमम 15 रुपये लगेंगे, और वही पौधा आप 100, 150, 200 आप उसे बेच सकते हैं। बड़े फार्म्स को बेचने के बजाय आप छोटे कस्टमर्स को ढूंढो, क्योंकि वो ज़्यादा रेट के ट्राई नहीं करते, उन्हें पौधा पसंद आना चाहिए और वो अच्छा आप पैसा आपको जो है दे के जाते हैं। अगर आप बड़े बाग को लगाने के लिए पौधे तैयार करेंगे तो उसमें रेट का झंझट और कितने मोर्टिलिटी आएगी उसका झंझट, पूरे कैसे करके दोगे पौधे, ये वो, उसमें नहीं घुसना। आपको सिंपल ऐसी नर्सरी चलानी कि मेरे जैसा आदमी गया, 5-7 पौधे 10 पौधे ले आया, 1000-2000 का काम आपका हो गया। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपको 3-4 वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसी के साथ आपका कोई आइडिया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में